सो गाइज हमारे पास आ चुका है सस्ता आईफोन यानी कि रियलमी C55। मैं इसको सस्ता आईफोन क्यों बोल रहा हूँ इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए गाइज सबसे पहले इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। इसको मैंने परचेस किया था रियलमी स्टोर से, तो ऊपर में एक इनवॉइस रखा है जिसे आप लोग देख सकते हो, एंड देन रियलमी C55 का बॉक्स। तो कुछ ऐसा है रियलमी C55 का बॉक्स कंटेंट, रियलमी C55 ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे रियलमी का ब्रांडिंग है। एंड अगर इसकी बैक साइड की बात करें 64 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 33 वाट सुपरबुक चार्जर, कुछ स्पेक्स मेंशन है जो आगे वीडियो के अंदर बात करेंगे। और ये है मेरे पास 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज के साथ। तो चलो गाइस इस बॉक्स को सबसे पहले करते हैं हम लोग कट। सो लेट्स गो, इसका जो बॉक्स है इसको कर लेते हैं हम लोग सिंपली यार ओपन। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें एक कंटेनर देखने को मिलता है जिसके अंदर यार हमें पता है एक सिम इजेक्टर पिन। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यार सरप्राइजिंग बात ये है कि आपको अंडर 10,000 यूजर डॉक्यूमेंट्स तो मिलता ही है, लेकिन मैं इसका बात नहीं कर रहा यार, इसके साथ आपको एक केस प्रोवाइड किया गया है जो अंडर 10,000 रियलमी करता नहीं था अपने डिवाइसेस में। ये एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर है ब्लैक शेड के साथ, और ये रहा डिवाइस। ओके बाद में बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। 11 वोल्ट 3 एम्पियर यानी कि 33 वाट का एक सुपरवुक चार्जर और एक USB A2 Type-C चार्जिंग केबल। तो ये रहा डिवाइस, चलिए निकालते हैं इसको प्लास्टिक रैपिंग से। गाइज मेरे पास है सनफ्लावर कलर में, इसका एक और कलर वेरिएंट आता है ब्लैक करके, मुझे सही लगा सनफ्लावर तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। बाकी गाइज अगर इसकी डिज़ाइन एंड लुक की बात करें तो काफ़ी सही यहाँ पे लुक प्रोवाइड किया गया, गाइज काफ़ी प्रीमियम फील होता है। हालाँकि ये प्लास्टिक का बॉडी इसमें यूज़ किया गया, एंड गाइज का जो फ्रेम है फ्रेम भी प्लास्टिक का ही है, लेकिन अगर आप लोग इसको टच करेंगे तो गाइज मैट फिनिश जैसा यहाँ पर फील आता है, एक अलग टेक्स्चर है, एंड कोई भी फिंगरप्रिंट का निशान वगैरह नहीं आता है। एंड इसके ऊपर में गाइज दो बड़ा बड़ा कैमरा लगाया गया है, एक है 64 मेगापिक्सल का एंड एक है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ के लिए, एंड उसके साइड में 2 LED फ्लैश है, एंड नीचे यहाँ पे रियलमी का ब्रांडिंग। सो गाइज लुक वाइज काफ़ी प्रीमियम फील आपको होगा बैक साइड का अगर मैं इसकी बात करूँ। एंड राइट हैंड साइड में एक पावर बटन है, एंड ये दोस्तों फिजिकल फिंगरप्रिंट भी है, एंड वॉल्यूम रोकर्स। एंड अगर इसकी बॉटम साइड की बात करें तो 3.5mm हेडफोन जैक इसमें दिया गया है, फोन का प्राइमरी माइक है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड एक फोन का प्राइमरी स्पीकर। लेफ्ट हैंड साइड में सिम स्लॉट है, गाइज इसके अंदर आप लोग 2 सिम कार्ड एंड 1 माइक्रो SD कार्ड का यूज कर सकते हो। एंड इसमें 6.72 इंचेस का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, 90 हर्ट्ज का गाइज रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करता है, तो स्क्रॉलिंग वगैरह में काफी स्मूथनेस आपको देखने को मिलेगा। सेंटर पंच होल डिजाइन के साथ ये आता है, 680 का गाइज पीक ब्राइटनेस इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आप लोग आउटडोर में इसको यूज वगैरह करोगे तो आसानी से इसका जो स्क्रीन है विजिबल हो जाता है। एंड इसके सेंटर पंच होल में आपको दिया गया एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी। और गाइज वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे कि आपको बताया ये है सस्ता आईफोन, तो गाइज मैं क्यों बोल रहा था, जैसे आप लोग इसको चार्ज में डालेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आता है डायनामिक आयरन जैसा, जैसे कि आईफोन ने इंट्रोड्यूस किया था आईफोन 14 प्रो सीरीज के अंदर। एंड रियलमी ने इसको नाम रखा है मिनी कैप्सूल, और इसमें मीडियाटेक हेलियो G88 एक 12 nm बेस्ड प्रोसेसर दिया गया है। एंड गाइज मैंने इसके अंदर अंतुतु स्कोर चेक किया है, तो आप लोग देख सकते हो 216,000 के करीब करीब यहाँ पे स्कोर आता है। एंड गाइज मैं आपको बता दूँ ये एक 4G प्रोसेसर है। ओके काफ़ी सारे लोग गाइज यहाँ पे गलती कर देते हैं, सोचते हैं कि ये 5G है, लेकिन दोस्तों G88 एक 4G चिपसेट है। और मेरे पास 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला वेरियंट है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 6GB 64GB वाला वेरियंट है, एंड 8GB 128GB वेरियंट के साथ भी आप लोगों को मिल जाएगा। 5000mAh का बैटरी, एंड गाइज यहाँ पे 33 वाट चार्जर के साथ 50% चार्ज हो जाता है 29 मिनट में। लेकिन दोस्तों अगर आपको जानना है डिटेल में कैसा चार्जिंग स्पीड है तो वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बहुत ही जल्द आपको चार्जिंग टेस्ट वीडियो भी देखने को मिलेगा हमारे इस चैनल में। और इसकी यूजर इंटरफेस की बात करें तो Realme UI 4.0 एंड Android 13 इसमें गाइस दिया गया है, जो काफ़ी सही है क्योंकि Realme C सीरीज के अंदर हमें पहले कुछ Go एडिशन देखने को मिलता था। Android Go एडिशन में गाइस ज़्यादा फीचर नहीं होता था, लेकिन आपको इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स मिलेगा। आई मीन दोस्तों यहाँ पे Realme UI 4.0 के अंदर जो जो फीचर्स है सब कुछ आपको मिलेगा। वैसे तो इसके अंदर काफ़ी सारे ब्लॉटवेयर्स आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इन सबको आप लोग अनइंस्टॉल भी कर पाओगे ईजिली। और इसके अगर कुछ कैमरा फीचर्स की बात करें तो गाइज वही सब है, HDR क्रोमा बूस्ट वगैरह, पोर्ट्रेट मोड आपको मिलता है, 64 मेगापिक्सल का एक अलग से सेक्शन आपको इसके अंदर दिया गया है। गाइज यहाँ पे मोर में जाने के बाद स्लोमो वीडियो भी आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, पेनोरामा का ऑप्शन है, टाइम लैप्स प्रो मोड भी आपको इसके अंदर दिया गया है। एंड गाइज यहाँ पे अगर आप लोग वीडियो के अंदर जाते हो तो वीडियो में आप लोग यार मैक्सिमम 1080p एंड 60fps के अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने गाइज यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक किया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ह्यूमन सब्जेक्ट को तो यार काफी सही यहाँ पे कैप्चर कर लेता है, कलर्स वगैरह भी
दोस्तों यहाँ पे मुझे सही लगा इसका जो रियर कैमरा है। एंड मैंने इसको कैप्चर किया था गाइज 1x में, एंड देन फिर मैंने इसको किया 2x में, एंड देन गाइज यहाँ पे 5x। तो आप लोग यहाँ पे तीनों का रिजल्ट देख सकते हो, क्योंकि रियल मी ने काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया था इसका जो कैमरा है इसको लेकर। वैसे अगर बात करें इसकी सेल्फी का, तो गाइज 8 मेगापिक्सल का जो सेल्फी है, सेम कंडीशन है। अगर आप आउटडोर में यहाँ पे फोटो वगैरह कैप्चर करते हो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सही आ जाता है। हालांकि गाइज मुझे अभी भी इसका जो सेल्फी है, इसका जो कलर्स प्रोडक्शन है, मुझे सही नहीं लगा। बाकी गाइज एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा कैमरा रिलेटेड। एंड इसमें साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट दिया गया है, तो गाइज मैंने टेस्ट किया है, तो इसका आप लोग रेस्पॉन्स देख सकते हो यार, लिटिल बिट स्लो मुझे यहाँ पे लगा, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है गाइज, यहाँ पे मीडियम वर्क करता है, जैसे कि आप लोग इसको देख सकते हो, मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है। सो गाइज अगर आपको ये डिवाइस 10 या फिर 10,500 में मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा डील है, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे लुक वाइज काफ़ी सही है गाइज, काफ़ी प्रीमियम फील आपको होगा। एंड इसके अंदर एक न्यू फीचर दिया गया है मिनी कैप्सूल, ये कितना ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए आप ही जानते हो। इसके अलावा गाइज यहाँ पे कैमरा मुझे डिसेंट लगा, बहुत ज़्यादा इतना तो खास नहीं है, लेकिन इसका जो प्राइस है माइंड में रख के अगर डिसाइड करूँ तो गाइज सही है। 90Hz का डिस्प्ले भी है गाइज, 33W का चार्जर है, एंड 5000mAh का बड़ा बैटरी भी है, तो मेरे हिसाब से 10,000 के अंदर गाइज काफ़ी अच्छा डील है। बाकी आप अपना थॉट नीचे कॉमेंट सेक्शन में रख सकते हो। वीडियो कैसा लगा गाइज जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो हमारे फ्रीडेक चैनल में तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय एंड As usual, Jai Hind.